अरे भूख प्यास ने चौकर दे करारी घेर के तंग में। अरे तू सब जाने से जो कुछ बीती तेरे पति के संग में, ओ रानी तेरे पति के संग में। तू के प्यास तू सब जाने से जो कुछ बीती तेरे पति के सज मेरी रानी तेरे पति के संग में। तर न्यू घाली थी घेरी जिसमें लेके तीतर उड़ गे अकल मार गे मेरी, ओ रानी अकल मार गे मेरी। अरी धोखा दे वस तरे हड़े लिए कर गेरी हेरा फेरी इस सारी जुलम मन कदे न देखा जिसी आज हुई डूबने आज हुई डूबने। अरे बेटी की खातिर ती तरे पकड़ू कर गे बिघा उमंगे में। तू सब जाने से जो कुछ बीती तेरे पति के सज मेरी रानी तेरे पति के संग में। के विश्वास मेरा से तेरे के सामने दंड देने नयो पुस घर पास करास पुस घर पास करास। हरी पक्षी बन मेरे बस तर हड़े लिए काम यो खास करया राज पाट धन माया का मेरा कलू में नाश करया मेरा कलू में नाश
पास करास हर धन माया सब जीत लई तू सब जाने से जो कुछ बीती तेरे पति के वो जग मेरी रानी तेरे पति के संग में बोला रानी मुझे पता नहीं है मेरा कलियुग का कौन सा बैर है लेकिन मैं इतना जानता हूं जब तेरा स्वयंवर रचा था तो ये वही लाइन में खड़ा था और जब से ये मेरा तेरा स्वयंवर रचा है ये कलियुग मेरे पीछे पड़ गया। आइए साथियों तीसरी बात के बाद पढ़ने क्या लिखा क्या बता दिया जन कद का बैरी से इसके हाथा नाश करने की क्यों करके ठेरी से क्यों करके ठेरी से हरी भूख प्यास मेरी जान बिगड़ेगी चंदा जू गहरी से प्राण से बाकी मेरे मरण मेरी कमर नहीं रहरी से ओ रानी कसर नहीं रहरी से और तू खटी चढ़ में पर जाना तू सब जाने से तू कुछ दीती तेरे पति के संग मेरी रानी तेरे पति के संग सुन लेरी रानी कितसी तेरी निगाह से विंध्या चले पर्वत नदीरी पोषणी ऋषि मुन सीधी दास ओ रानी ऋषि मुन सीधी दास अर पर्वत तेयू उत्तर दिशा रहा कौशलपुर ने जास एक रसिता चन देरी नरी एक कुंदनपुर ने जास कुंदनपुर ने जास
सब जाने से जो कुछ बीती तेरे पति के ये सब मेरी रानी तेरे पति के तू सब जाने से जो कुछ जीती तेरे पति के ये सब मेरी रानी तेरे पति के संग में। अरे गोकुल गढ़ते सज के वो चली है गुजरिया राम वाहे गुजरिया मेरे मन में बसी वाहे गुजरिया मेरे मन में बसी वो फूल गढ़ते सज के वो चली है गुजरिया राम वाहे गुजरिया मेरे मन में बसी वाहे गुजरिया मेरे मन में बसी सावरे उर्मी बजाता कृष्ण सावरे जमुना के किनारे मारी जमुना के किनारे मारी वो छोटी सी नगरिया राम वाली नगरिया मेरे मन में बसी वाली नगरिया मेरे और आदरणीय दयालचंद बघेल जी जो इस कार्यक्रम को हर साल कराते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्ग सम्मान करते हैं। क्या लिखते हैं दूसरी बात में हर काठा करूंगी सारे काम ने धमका वह मेरी पिया जी धमका वह मेरी फुटी रे गगरिया राम वाहे गुजरिया मेरे मन में बसी वाहे गुजरिया मेरे मन में बसी
की हो बात रही ना किसे दीन की ओ कुड़ती तो भीजी मेरी कुड़िया तो भीजी मेरी ओ भीजी रे खजरिया राम वाई खजरिया मेरे मन में बसी वाई खजरिया मेरे मन में बसी की भाई मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं मेरे मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं मात पिता सा दुनिया में पिता है भाई मात पिता दुख में तड़प है दुख मात पिता दुख में तड़प है तू देर में आवे के फायदा मात पिता से बहु लगे तू मेर में आवे के फायदा मात पिता सो के उठ ले तू घेर में आवे के फायदा अरे मात पिता दिख मात पिता तज दौलत दे तू ढेर में आवे के फायदा मात पिता तज दौलत दे तू ढेर में आवे के फायदा भाई के फायदा ऐसे बेटे का लोगों के फायदा ऐसे बेटे का तुझे मात पिता का ध्यान नहीं मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं मात पिता सा दुनिया में आइए इस भजन पर खुश होकर के परम आदरणीय पृथ्वीराज जी 50 रुपए और मेरे बड़े भाई महेंद्र बघेल जी
₹50 से मान सम्मान करते हैं। दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, बार बार धन्यवाद। और दूसरी बात के माध्यम से क्या बताया, और बड़े भाई गोपाल दैया जी गेलपुर से ₹100 से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताया बोला, मात पिता को मेरा मात पिता को नहीं नवाया कावड़ लावे के फायदा, मात पिता के चरण छुए बिन दूर के जावे के फायदा, मात पिता दुख मात पिता भूखे प्यासे तू मेवा खावे के फायदा, मेरा मात पिता मेरा मात पिता को ठुकरा के तू गुरु बनावे के फायदा, मात पिता को ठुकरा के तू गुरु बनावे के फायदा, मेरा मात पिता की दुआ बिना मेरा मात पिता की दुआ बिना वो बनते गुरु महान नहीं, वो मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं, मात पिता सा दुनिया में साथियों। तीसरी बात के माध्यम से बताया कि मात पिता घर में बैठे हैं और छोटी सी बात पर कोई झगड़ा हुआ, मात पिता को बताया नहीं, उनको पूछा नहीं, और बाहर से चार आदमी चार पंच सरदार बुला करके बैठा लिए, ऐसे बेटे का कोई फायदा नहीं है। क्या बताया भला, मात पिता की सलाह न मानी, मात पिता की सलाह न मानी पंच बुलावे के फायदा, मात पिता की दौलत पे तू लख लुटावे के फायदा, मात पिता की दुखी आत्मा तू मौज उठावे के फायदा, मात पिता दिख मात पिता नंगे हंडे तू ताज सजावे के फायदा, अरे मात पिता नंगे हांडे तू ताज सजावे के फायदा, दिख मात पिता की सेवा बिन मेरे मात पिता की सेवा बिन तेरा लगे धर्म और दान नहीं, मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं, मात पिता सा दुनिया में। अंतिम बात मैं बताया कि जब मात पिता जिंदे थे तो उनको चद्दर तक के लिए नहीं पूछा, सर्दी में मर रहे थे, लेकिन आज जब मात पिता की अर्थी घर से उठ रही है तो उन पर नई नई शॉल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, सामग्री चढ़ा रहे हैं, घी चढ़ा रहे हैं, और तो और जब मात पिता जिंदे थे तो उनको भोजन तक के लिए नहीं पूछा, लेकिन आज मरने के बाद में 12 गांव का 24 गांव का काज करा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। क्या बताया लास्ट बात में बोला, भाई मात पिता है मेरा मात पिता मरे सर्दी में, दिख मात पिता मरे सर्दी में आज सोले उठावे के फायदा,
पिता की अर्थी पे दिख मात पिता की अर्थी पे फल फूल मगावे के फायदा मात पिता की चिता जले दिख मात पिता की चिता जले घी दूध चढ़ावे के फायदा मात पिता लोगो मात पिता मरे भोजन बिन आज काज रचावे के फायदा मात पिता मरे भोजन बिन आज करावे के फायदा मात पिता की दुआ बिना लोगो मात पिता की दुआ बिना ब्रह्म पाल विद्वान नहीं मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं मात पिता सा दुनिया में हेरे अपरम पार तेरी माया हेरे अपरम पार तेरी माया तू तो के कर दे एक क्षण में हेरे मन की सोची बनती को जो मानस के मन में मन की सोची बनती को जो मानस के मन में हेरे अपरम पार तेरी माया रे अपरम पार तेरी माया तू वर्ती कोरा वो मानस के मने में मन की सोची वर्ती कोरा वो मानस के मने में और आइए इस रागनी पर खुश होकर के तुलीचंद मिस्त्री जी भाई 50 रुपए दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आइए पहली बात के माध्यम से किस तरह से क्या बता दिया रागनी को कि अपरम पार तेरी माया तू तो के कर दे क्षण में और मन की सोची बनती कोन्या जो मानस के मन में पहली बात में जिक्र कर दिया रावण का रावण ने अपने मन में क्या सोची और क्या बनी क्या बताया मन में सोची रावण ने रे मन में सोची रावण ने अंबर में पैदी जाऊं मैं सारी दुनिया आराम करेगी जन का दूर बनाऊं मैं सारी दुनिया आराम करेगी जन का दूर बनाऊं मैं अरे जल की काई अग्नि का धुआं इसने दूर हटाऊं मैं बेटा यो भी कष्ट मिटाऊं मैं ओ बाप का पहले मरे ना बेटा यो भी कष्ट मिटाऊं मैं यो कहते कहते आगे मोर छा यो कहते कहते आगे मोर छा लागी आग सर में ओ मन की सोची बनती को ना वो मन के मन में मन की सोची बनती को ना
दुर्योधन ने अपने मन में क्या सोची और क्या बन गई क्या बताया। मन में सोची दुर्योधन ने, मन में सोची दुर्योधन ने, मंदिर में आग लगाई फिर एकदम अग्नि सर पे चढ़गी कोन्या पाल बसाई, फिर भेद खोल के देखने लगे कुप्पी मोरी पाई, हरे फिर जे जीव मरे जल के न्यो दुनिया देखने आई, फिर जे जीव मरे जल के न्यो दुनिया देखने आई, हरे 101 भेंट में देखे, हाँ 101 भेंट में देखे, अग्नि करी वचन में मन की सोची बढ़ती को ना जो मानस के मन में, मन की सोची बढ़ती को ना जो मानस के मन में, राजा दशरथ का। राजा दशरथ ने अपने बेटे राम के लिए अपने मन में क्या सोची और क्या बनेगी क्या बताया। मन में सोची दशरथ ने रे, मन में सोची दशरथ ने, पंडित लोग बुलाए रामचंद्र ने दुराज तिलक और कर लियो मन के छाए, रामचंद्र ने दुराज तिलक और कर लियो मन के छाए, अरे चरत भर की माता ने वो महला बीच बुलाए, हेरे 14 साल का दिया दिसोता खोटे वचन सुनाए, नीचे कदम नीचे रह गया, नीचे कदम नीचे रह गया, ऊपर चढ़ा गगन में मन की सोची बढ़ती को जा जो बारस के मन में, मन की सोची बढ़ती को जा जो बारस के मन में। सुनो इसी सभा में गाड़ी चाहिए, बाप सुनो बेटा सुनो इसी सभा में गाड़ी चाहिए, कह लक्ष्मी चंद तुम्हें अब तो संभलो, लक्ष्मी चंद तुम्हें अब तो संभलो, हरि भजन में मन की सोची बढ़ती को जा जो मानस के मन में, मन की सोची बढ़ती को जा जो मानस के मन माया रे, अपना बाल तेरी माया तू ये कर दे क्या चल में,
की भक्ति को ना रोमानस के मन में, मन की सोची भक्ति को ना